एक ऐसे चार्ट ऑफ अकाउंट हम लोग BTW के थ्रू माइग्रेट करेंगे और मैनुअली बनाएंगे, उसको एडिट कैसे करेंगे, अगर हमें चेंज कुछ करने हैं तो कैसे करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हमने क्या देखा कि चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, चार्ट ऑफ अकाउंट कम्प्लीट भी हो गया, आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस भी कर लिया, आप ही लोगों ने चढ़ाया और ये आपका 100% ओके हो चुका है। ठीक है, अब चार्ट ऑफ अकाउंट बनने के बाद सेकेंड थिंग क्या है, हमें सबसे पहले जो करना है वो बनाना है डॉक्यूमेंट सीरीज, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट सीरीज नहीं बनाएंगे तो फिर आपका ये डॉक्यूमेंट ओपन करने जाएंगे तो देखिए क्या बोल रहा है, टू जनरेट द दिस डॉक्यूमेंट फर्स्ट डिफाइन द नंबरिंग सीरीज। जब तक आपका नंबरिंग सीरीज नहीं बनेगा तब तक ये डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। हमने क्या किया था, पोस्टिंग पीरियड बना दिया था और उस पार्टिकुलर पोस्टिंग पीरियड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सीरीज बनाना पड़ेगा। जब तक डॉक्यूमेंट नहीं तब तक आप कोई भी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स आप ओपन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, डॉक्यूमेंट सीरीज बनाना। अब रही बात की डॉक्यूमेंट सीरीज बनाएंगे कैसे, तो डॉक्यूमेंट सीरीज बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, उसके बाद सेटअप में आएंगे। ठीक है, सेटअप में आने के बाद इसमें फाइनेंस आई थिंक सर्विसेज में होंगे, इसमें नहीं कॉन्टेक्ट, देखिए एक मिनट में देखता हूँ डॉक्यूमेंट सीरीज कहाँ पे है, मौजूद हम लोग यहीं से सर्च कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्यूमेंट नंबरिंग यहाँ पे है, सिस्टम एनालाइजेशन डॉक्यूमेंट नंबरिंग, अच्छा सिस्टम एनालाइजेशन में है डॉक्यूमेंट नंबरिंग में, तो आप सेटअप पे आ गए, सिस्टम एनालाइजेशन भी में आ गए, ये है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एनालाइजेशन एंड ये है आपका डॉक्यूमेंट नंबरिंग। जब इस पे क्लिक करेंगे, एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे डॉक्यूमेंट, तो DOC, इसको सर्च मेनू में जाके अपने आप डॉक्यूमेंट के नाम से जितने होंगे ऑप्शन सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्क्रीन को ओपन कर सकते हैं। सिस्टम एनालाइजेशन में आया, डॉक्यूमेंट नंबरिंग पे क्लिक किया तो आपका ये स्क्रीन आ जाएगा। अब इस स्क्रीन पे आप देखेंगे तो जितने भी तरह के आपके स्क्रीन है सभी का डॉक्यूमेंट, जैसे AR इनवॉइस बनाना है तो उसके देखिए तीन ऑप्शन है। अब तीन ऑप्शन क्या क्या है, एक होता है बिल ऑफ सप्लाई, दूसरा होता है GST टैक्स इनवॉइस और तीसरा होता है GST डेबिट मेमो। तो ये क्या है, ये मैं आपको जब AR इनवॉइस बताऊंगा तब बनाना है। ठीक है, तो मैं अभी एक डॉक्यूमेंट का बना के दिखाऊंगा आपको और फिर आप लोगों को बनाना है ये डॉक्यूमेंट सीरीज, तभी जाके ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, एवरी सेशन में इसे हमें रिन्यू करना होता है और जब तक ये चीजें रिन्यू नहीं होगा, ये चीजें डिफाइंड नहीं होगा, हमारा डॉक्यूमेंट ओपन ही नहीं होगा, हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ट्रांजेक्शन कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिफाइंड करना होगा कि डॉक्यूमेंट सीरीज क्या है। तो आप यहाँ पे आएंगे AR इनवॉइस के जस्ट इधर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका स्क्रीन ओपन होके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीरीज डिफाइन करेंगे, ये क्या है AR इनवॉइस का है, तो हम लिखेंगे ARIN-B AR इनवॉइस। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये, नेक्स्ट नंबर ये, लास्ट नंबर मैं ले जाऊंगा कहाँ तक, इसको ले जाता हूँ 199 या मैं इसको कर देता हूँ 999 तक। ठीक है, 999 9099 पे कर देता हूँ। ठीक है, अब प्रीफिक्स पूछ रहा है कि क्या आप दोगे, ये हमें क्लाइंट देता है कि आपको प्रीफिक्स क्या चाहिए, तो प्रीफिक्स में मैं यही डालता हूँ ARIN-B, कहने का मतलब कि AR इनवॉइस। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया प्रीफिक्स AR इनवॉइस, इसमें स्लैश लगा दिया और सफिक्स, ये प्रीफिक्स और सफिक्स तो आपको समझ में आता है या नहीं आता है पायल, हाँ सर, प्रीफिक्स सफिक्स समझ में सर आता है? हाँ एक बार सर समझा दो क्या, हाँ तो अच्छा ओके। रहेगा। होता क्या है कि जब भी हम किसी भी नंबर को नोट डाउन करें, यहाँ पे मैं नोटपैड खोल लेता हूँ, जब आप देखोगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब होता है, प्रीफिक्स मतलब कि नंबर से पहले और सफिक्स नंबर के बाद, सपोज दैट आपका डॉक्यूमेंट नंबर जो बनेगा, अगर हमने प्रीफिक्स इसमें डिफाइन कर दिया ARIN-B, ठीक है, स्लैश लग जाएगा और डॉक्यूमेंट नंबर, अगर फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनेगा तो 1, ठीक है, स्लैश एंड सफिक्स हो जाएगा क्या, 23-24, सेशन क्या चल रहा है 23-24, तो 23-24, तो इसमें ARIN-B प्रीफिक्स हो गया और 23-24 क्या हो गया हमारा, सफिक्स हो गया, और ये क्या है, ये हमारा डॉक नंबर है, 1 क्या है हमारा डॉक नंबर है। ठीक है,
इस तरह से हमें अगर डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए तो हम ऐसे डॉक्यूमेंट सीरीज बनाएंगे। अब समझ में आया? ठीक यस सर। है, तो इसी तरह से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, ये करने के बाद अब हमने प्रीफिक्स डिफाइन कर दिया, सफिक्स डिफाइन करेंगे। तो सफिक्स क्या कर रहा है, ये बोला है 23 24, ठीक है, ये 23 24 हो गया, ग्रुप वन ही रहेगा। ये जो डिफॉल्ट है यहाँ पे आके हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे FY 23 24, एंड यहाँ पे हम ब्रांच सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये है, एक है ये डिजिटल सीरीज। डिजिटल सीरीज करने का इलेक्ट्रॉनिक माने के इलेक्ट्रॉनिक्स आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और सीरीज मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पे डिजिटल सीरीज को आप ओके कर सकते। बोल रहा है यू आर गोइंग टू एक्टिवेट द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट फंक्शनलिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के केस में ये यूज होता है, आफ्टर पोस्टिंग द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन द सीरीज द चेंज इज इरिवर्सिबल, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मतलब एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो जहां भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट का फंक्शनलिटी ऑन करना है वहां पे आप इसको करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं ओपन करेंगे। यदि आपको इस नंबर को लॉक करना है तो इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये नंबर जितना भी बना होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इससे फर्दर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको इस सीरीज को कैंसिल करना है तो यहाँ पे आप कैंसिल का क्लिक कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, अब इसको हम जैसे ही अपडेट करेंगे, मैंने इसको हटा दिया, मुझे डिजिटल नहीं चलाना है, ठीक है, मैंने लॉक भी नहीं करना, कैंसिलेशन भी नहीं करना, मैंने ब्रांच सेलेक्ट कर दिया। तो ये जो डॉक्यूमेंट सीरीज है इस पार्टिकुलर ब्रांच के लिए ही यूज होगा। अगर सपोज दैट इस डेटाबेस में 10 ब्रांच बने हुए हैं तो सभी ब्रांच के लिए डॉक्यूमेंट सीरीज बनेंगे। अगर सीरीज के लिए मैंने 1 से 9999 डिफाइंड कर दिया तो बालाजी जो नीचे अगर ब्रांच दूसरा कोई है तो उसके लिए हम आगे डिफाइंड करेंगे डॉक्यूमेंट सीरीज, ठीक है। वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो होगा 10,000 से आगे, 10,000 से फर्दर आगे होगा। ये नंबर नहीं होना चाहिए, जो नंबर हमने एक बार अलाउट कर दिया इस पार्टिकुलर ब्रांच को वो नंबर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इसको अपडेट करूंगा, अपडेट करने के बाद यहाँ पे आए ओके और यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अब आपका ये स्क्रीन किसके लिए, बिल ऑफ सप्लाई। इस स्क्रीन पे जो एआर इनवॉइस का, इस पे तीन स्क्रीन जाते हैं, अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा। एक तो बिल ऑफ सप्लाई हो गया, अब दूसरा क्या होता है, जीएसटी टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे, सेम ही सीरीज बनाऊंगा मैं, ARARINV, ठीक है। उसके बाद वन से स्टार्ट होगा, कहाँ तक लास्ट लिया था हमने, 1199 लिया था, 9009 पे प्रीफिक्स हमने क्या डिफाइंड किया था, ARINV, इसको स्लैश कर देंगे, ठीक है, ARINV प्लस, ठीक है। उसके बाद सफिक्स हम दे देंगे प्लस 23 24, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको मैं पोस्टिंग पीरियड डिफाइन कर दूंगा, फिर उसके बाद इसको ब्रांच दे दूंगा, ठीक है। तो अब आपका एआर इनवॉइस का दोनों ही केस हो गया, बिल ऑफ सप्लाई भी हो गया और क्या हो गया, जीएसटी टैक्स इनवॉइस भी हो गया। अब ये देखिए, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, उस केस में अप्लीकेबल होता है जब हमारे पास कस्टमर अनरजिस्टर्ड होगा, आपसे कोई मटेरियल परचेज कर रहा है एंड हैविंग नो एनी जीएसटी नंबर, इन दैट केस वी विल यूज बिल ऑफ सप्लाई। वेदर द कस्टमर हैव अ जीएसटी नंबर, इन दैट केस वी विल यूज जीएसटी टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो अगर आपके पास कस्टमर है जिसके पास जीएसटी नंबर है तब आप ये यूज करेंगे, अगर नहीं है तो ये यूज करेंगे, ठीक है। अब उसी स्क्रीन पे क्या है, जीएसटी डेबिट मेमो है, तो इसका अभी हम सीरीज बनाएंगे। तो इसको ओपन किया, ठीक है, और जीएसटी डेबिट मेमो है तो हम इसको लिखेंगे ARD डेबिट मेमो है तो हम लिखते हैं इसको ARDMEMO, ठीक है। अब इसको नंबर चलाते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1, इसको लास्ट कर देते हैं हम लोग 999, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब लिखते हैं ARDM, ठीक है, प्लस, एंड ये हो जाएगा आपका प्रीफिक्स, ये हो जाएगा 23 24, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप फिर से पोस्टिंग पीरियड एंड देन ब्रांच, इतना सेलेक्ट करने के बाद आप इसको अपडेट कर देंगे तो आपका डेबिट मेमो जो है उसका सीरीज बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन उठता है, आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे भी नंबर तो रिपीट हो रहा है, वहां पे हमने 1 से लेके 9099 तक दिया था, फिर आपने 1 से 99, तो ये ARDM अलग ही डॉक्यूमेंट सीरीज है,
उस डॉक्यूमेंट सीरीज पे नहीं हमने रिपीट किया, ये सेम ही क्या है डिफरेंस। अब आप अगर एआर इनवॉइस का स्क्रीन ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने उसका डॉक्यूमेंट सीरीज डिफाइंड कर दिया है। अगर आपने नहीं डिफाइंड किया तो वो ओपन नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने एआर इनवॉइस का स्क्रीन पे क्लिक किया तो हमारा एआर इनवॉइस का स्क्रीन ओपन हो गया। अब जरा सा देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए इसमें क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए बिल ऑफ सप्लाई, मैंने बताया था कि बिल ऑफ सप्लाई का पहले मैंने सीरीज बनाया था, ठीक है, तो वो ARARIN भी आ गया। दूसरा क्या आता है आपका, दूसरा आता है जीएसटी टैक्स इनवॉइस, उसका भी सीरीज यही था दोनों, क्योंकि एक ही नेचर का है ये। और तीसरा क्या स्क्रीन आता है, यहाँ पे आता है जीएसटी डेबिट मेमो। जैसे ही डेबिट मेमो आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे अपने आप ये डॉक्यूमेंट सीरीज चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही आप बना लेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्क्रीन ओपन होने लगेंगे। जब तक आपका ये डॉक्यूमेंट जैसे सेल्स कोटेशन को लिए नहीं खुलेगा, क्यों? क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट सीरीज नहीं है। सेल्स ऑर्डर को लिए नहीं खुलेगा, क्यों? क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट सीरीज नहीं है। ब्लैंकेट एग्रीमेंट ओपन कीजिए, नहीं खुलेगा, क्यों? क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट नंबरिंग नहीं हुआ है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स का जो हमें स्क्रीन पे है उसकी डॉक्यूमेंट सीरीज बनानी होती है, और एवरी पोस्टिंग पीरियड में हमें इसे अपडेट करनी होती है। आज हमने बना लिया इस पोस्टिंग पीरियड के लिए, फिर जब 24-25 सेशन शुरू होगा तो फिर उस सेशन में भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट सीरीज आनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट नंबरिंग पे आए, अब हमारा एआर इनवॉइस बन गया है। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको सेल्स कोटेशन और सेल्स ऑर्डर बना के, उसके बाद आप लोगों के हवाले आप लोग बनाएंगे सारे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देता हूँ सेल्स कोटेशन, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स कोटेशन है तो हमें क्लाइंट देता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो शुरू होगा उसका क्या प्रीफिक्स होगा, क्या सफिक्स होगा। यहाँ तो मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, हमें क्लाइंट एक टेम्पलेट शीट हम शेयर करते हैं, उस शीट में अपना वो सीरीज डाल के मुझे देता है कि आपको ये नाम रखना है, फर्स्ट नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट नंबर यहाँ तक जाएगा, प्रीफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, और किस किस ब्रांच का कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सेल्स कोटेशन ले रखा है, तो मैं यहाँ पे सीरीज चला देता हूँ आपका एस सेल्स कोटेशन SQT, ठीक है, ये नाम दे दिया। और इसको मैंने चलाया कि कोटेशन जो होगा 999, ठीक है, एंड प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसका, प्रीफिक्स मैंने डाल दिया SQT, ठीक है, प्लस, एंड ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस 23 24, ये हो गया। एंड देन हम क्या करेंगे, पोस्टिंग पीरियड, तो यहाँ पे आए, इसका पोस्टिंग पीरियड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करेंगे एंड देन अपडेट कर देंगे इसको। तो ये हमारा अपडेट हो गया, इसको अपडेट किया, फिर इसको अपडेट किया, तो हमारा सेल्स कोटेशन का सीरीज बन गया। इसमें एक ही सिंपल सेल्स कोटेशन आता है। अब सेल्स ऑर्डर देखिए कहाँ पे है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे सेल्स ऑर्डर कहाँ पे है। आप आएंगे नीचे तो देखेंगे सेल्स ब्लैंकेट है, ठीक है, सेल्स ऑर्डर आई थिंक ऊपर चला गया, सेल्स कोटेशन ये है, सेल्स ऑर्डर, ये सेल्स ऑर्डर है, तो हम इसको लिखेंगे SORD सेल्स ऑर्डर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 999, ठीक है, एंड ये हो जाएगा SORD प्लस, ठीक है, देन प्लस 23 24, देन हम क्या करेंगे डिफॉल्ट को कर देंगे पोस्टिंग पीरियड वाला सेशन, ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच लिखा है। तो इस तरह से जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे के आपको डॉक्यूमेंट सीरीज बनाने हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं, तभी आपको वो स्क्रीन ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। मैंने क्या बना लिया, अब सेल्स में आइए, आप ओपन करके देखिए कि जो मैंने स्क्रीन का डॉक्यूमेंट सीरीज डिफाइंड कर दिया वो आपका अपना सेल्स ऑर्डर और सेल्स ब्लैंकेट एग्रीमेंट। तो सेल्स ब्लैंकेट एग्रीमेंट ये देखिए, अच्छा ब्लैंकेट नहीं कोटेशन बनाया था, सेल्स कोटेशन ये देखिए ओपन हो गया आपका, SQT बनाया था, ठीक है, उसके बाद सेल्स ऑर्डर ये आपका ओपन हो गया, ठीक है। लेकिन वही आप डिलीवरी करेंगे ओपन तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका अभी डॉक्यूमेंट भी नहीं बना है। तो ये क्या करना है, आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स सारे के बनाने हैं, क्लियर? फिर